उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सभी राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस दूसरे चरण के चुनाव पर है। दूसरे चरण में 14 फरवरी यानी सोमवार को वोटिंग होनी है और इसमें 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर पहले चरण में जाट वोट महत्वपूर्ण थे तो दूसरे चरण में मुस्लिम वोट निर्णायक माने जा रहे हैं। कुल 9 जिलों में वोटिंग है और हर जिले में मुसलमान 30-50% तक हैं। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 65% तक है, इसलिए यह चरण बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछली बार यानी 2017 की बात करें तो इन 55 सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। पिछली बार बीजेपी को 38, समाजवादी पार्टी को 15, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान नहीं मानी जा रही हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है। लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 11 सीटों में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के हिस्से में आई थी। सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा की सीट पर बीएसपी जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को मुरादाबाद, संभल और रामपुर की सीट पर जीत मिली थी। बाकी 4 सीटें बीजेपी को मिली थी। यानी 2019 में इस इलाके में मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं का गठजोड़ का फॉर्मूला कामयाब हुआ था। इस पूरे इलाके में मुस्लिम वोटर प्रत्याशियों की जीत हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। बात मुस्लिम उम्मीदवारों की करें तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 20 मुस्लिम प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीएसपी ने 23 जबकि कांग्रेस ने 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी गठबंधन की तरफ से अपना दल ने रामपुर से एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस बार एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ही अलग चुनाव लड़ रही हैं और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में हैं। इसलिए राजनीतिक समीक्षक मान रहे हैं कि मुस्लिम मतों का बिखराव होगा और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि ऐसी ही चुनौती लोकसभा चुनाव में थी और इसी वजह से इस इलाके में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लखीमपुर खीरी कांड के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को गुरुवार को जमानत मिल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से उन्हें जमानत दी गई है। विपक्ष इस पर हमलावर हो गया है और सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। यकीनन ये मुद्दा आने वाले चुनाव में एक बड़ी वजह बनेगा। आशीष मिश्रा की जमानत मिलने पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तंज कसा है। जयंत चौधरी ने आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है, क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा और 4 महीने में जमानत। इसके साथ ही आशीष मिश्रा को जमानत मिलने की खबर सुनते ही समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। अब देखना दिलचस्प होगा कि रोज बदलते सियासी समीकरण के बीच दूसरे फेज के चुनाव में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।